सारी स्कूलिंग मेरी स्कूल में हुई है, 10th क्लास तक की है। और अभी मंच के माध्यम से मैंने पहले अनाउंस की थी, दोबारा बताना चाह रहा हूँ। प्राइज मनी जो भी रहेगी, आपका कोई भी प्रोग्राम होगा, आपका कोई भी डे है, उसमें प्राइज मनी जो रहेगी वो अपनी एक सैलरी मेरी तरफ से रहेगी, महीने की एक सैलरी। बहुत बहुत सर, हम आपको सैल्यूट करते हैं। सारे बहन भाइयों ने, चाचे तौवा ने, यार भाई ने हाथ जोड़कर राम राम। थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा, और मैं सुथार अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। इस टाइम छारा के ग्रामीण सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है, और आड़े छारा स्कूल में एक रिकॉर्ड बनाया है। 505 बालका ने एक साथ नर्सरी से 12th तक एक जैसी हैंडराइटिंग, एक फ़ॉन्ट अंग्रेजी का अलाइक फ़ॉन्ट जो है उसमें निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है चौधरी छोटू राम की जीवनी के ऊपर। और आज मेरे साथ इस तरफ ने जो बैठे हैं, इस स्कूल के संचालक हैं दलाल साहब, सतेंद्र दलाल जो हैं, और इस तरफ मेरे पास जो बैठे हैं प्रवीण दलाल भाई हैं, एक्सियन हैं हरियाणा सरकार में, और इसी स्कूल तक पढ़े लिखे हैं, 10वीं तक की पढ़ाई हो रही हुई है। आज चीफ गेस्ट के मौके तौर पर स्कूल में आए हैं, तो इनसे पूछेंगे किसा के महसूस हो रहा है इसी स्कूल से पढ़ाई हुई और आज चीफ गेस्ट के तौर पर इस स्कूल में आना हुआ। और एक खास अनाउंसमेंट इस प्रोग्राम के बाद भाई ने करी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। प्रवीण भाई नमस्कार, राम राम। नमस्कार, नमस्कार, राम राम। पहले तो आपकी पढ़ाई ना लेके ही करेंगे, यहीं पे पढ़ाई हुई आपकी 10वीं तक, उसके बाद आप आगे पढ़े और आज चीफ गेस्ट बनकर उराए हो, किसा महसूस हो रहा है? बस अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ मैं कि इसी स्कूल में मैंने पढ़ाई की, सारी स्कूलिंग की, पहली से 10th क्लास तक, और आज मुझे यहाँ चीफ गेस्ट आने का मौका मिला, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। तो के लगे है आपने जो बेस तैयार होया करे एक बालक का, वो कितना जरूरी है, क्योंकि 10वीं तक ही मेन बेस है, और वो बेस मजबूत नहीं हुआ तो फिर आगे भविष्य तो सुधर ही नहीं सकता। तो एक बेस तैयार होना, बढ़िया मजबूत बेस तैयार होना बच्चे के लिए कितना जरूरी है, क्या लगा? देखो, बेस सबसे जरूरी है, हमारी जो स्कूलिंग है चाहे पहली क्लास 10वीं क्लास तक, बेस एक अच्छा तैयार होना बहुत जरूरी है। और इस स्कूल में बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एजुकेशन ऊपर, आज से नहीं, मैं तो 94 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 94 का तो कोई बच्चा हो भी नहीं, मैंने तो 94 में एडमिशन लिया था, तब से ही देख रहा हूँ, इतने साल हो गए, सर्विस भी कर ली, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सर्विस कर ली, तो स्कूल स्टार्टिंग से ही एजुकेशन के ऊपर ध्यान रहा, बहुत मेहनत करवाते हैं। और तो 94 में आपने उधर एडमिशन लिया, फिर 10वीं करके आप निकले, आगे के पढ़ाई करी और जॉब की शुरुआत जो थी वो आपकी कितने हुई? मैंने 2004 में 10th क्लास की थी इसी स्कूल से, उसके बाद मेरा ऑल इंडिया का टॉप कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एडमिशन हुआ था। ना मैंने कोई कोचिंग ली थी, ना कोई इंस्टीट्यूट कभी उस टाइम होते भी नहीं थे। उसके बाद एग्ज़ाम दिया तो उसमें सिलेक्शन हो गया, वहाँ से मैंने 3 साल का डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निकल, उसके बाद मैंने 3 साल बीटेक की सोनीपत, और उसके बाद मैंने 2012 में एज ए सब डिविज़न ऑफिसर मेरा हरियाणा सरकार में सिलेक्शन हो गया, और अब मैं एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिरसा में पोस्टेड हूँ। SDO से सिलेक्शन होया था आज XCN पे जी, जी जी सिरसा में पोस्टेड हैं आप। जी 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 तो आज आप पूरा आए हो सर, आप तो सवाल है कि आपके स्कूल से पढ़ लिख के आज एक फर्स्ट क्लास जो रैंक पे जॉब करने लग रहे हैं और आज इन बच्चों के सामने आए हैं, तो इनने कितना हौसला मिलेगा इस चीज़ से? इनसे बहुत हौसला मिलेगा, एक एग्जांपल रहेंगे कि भाई देखो इसी स्कूल से पढ़े हैं और इतनी अच्छी पोस्ट पे गए हुए, आज एक्शन है। उम्र क्या हुई है सर की? सर की तो उम्र प्रवीण जी की तो मात्र मेरे ख्याल से 30 ईयर है, 32 है, तो मैं ये मानता हूँ ये आगे और बढ़ेंगे, तो इस स्कूल से बहुत कुछ उम्मीद है इन्होंने कि हाँ भाई पहले भी रही हैं और अब भी बहुत अच्छा मानते हैं स्कूल्स को, हम हर टाइम इनको बात करते रहते हैं, और ये भी एक फ़ोन हम करते हैं तो एक फ़ोन में उठा लेते हैं, इतना इज्जत रखते हैं कि बहुत ज़्यादा। आज आप पूरे आए हो तो ये जिस तरीके का एक लीक तो हट का प्रोग्राम था, कल्चरल इवेंट होते रहे हैं, खिलना ने लेकर होते रहे हैं, आज हैंडराइटिंग ने लेकर एक इवेंट था और जिसमें रिकॉर्ड बना दिया आपके स्कूल ने, आपके ही कहूँगा मैं, तो इस तरीके के प्रोग्राम में आपके मानो कितने मतलब मददगार साबित हुए हैं बच्चों के लिए, उनके हौसले के लिए? देखो वैसे तो स्कूलों में जैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, आपका जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल डे होता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम, पर एक हैंड राइटिंग को लेके, हैंड राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है।
आपके ही में, क्योंकि मैंने एक डेढ़ साल टीचिंग भी की थी ओल्ड टेक्निकल कॉलेज में, बच्चों के एग्जाम चेक करता था। तो हैंड राइटिंग का एक ऐसा था, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो टीचर के मन में खुद जाएगा भाई हाँ बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की हुई, अच्छी राइटिंग है, वो मार्क्स ज़्यादा देगा। तो हैंड राइटिंग मेन रोल है। और आज ये 505 बच्चों ने जो रिकॉर्ड बनाया अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। बिल्कुल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपने इस प्रोग्राम के लास्ट में एक अनाउंसमेंट करी इन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, वो अनाउंसमेंट एक बार फिर सुनना चाहूँगी। देखो अनाउंसमेंट मैंने, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं फर्स्ट पोजीशन आती थी, प्राइज मिलता था स्कूल में, कि जैसे कॉपी वगैरह पेन मिलता था, वो अपने आप में बहुत बड़ा होता था। तो आज मैं ये मेरे मन में आई कि प्राइज मनी बच्चों को दें तो आगे और मोटिवेट होगा उस चीज़ से, इसलिए मैंने अपनी एक महीने की सैलरी, मेरी 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है साल में, महीने की एक सैलरी बच्चों के प्राइज मनी के रूप में मैं दूंगा। जिस पोस्ट पे हैं 1.5 लाख के करीब की सैलरी है, और स्कूल में कोई भी इवेंट होगा स्पोर्ट्स का हो या एनुअल हो, और उसने लेकर जो अवार्ड दिए जाएंगे उनके लिए साल में से एक महीने की सैलरी जो है वो देने की अनाउंसमेंट भाई ने करी है। और मतलब मैं यूँ कहूँ भाई साहब, पैसे आज के दिन कह रहे हैं काले सराले का भरया नहीं करे है, ठीक है। और ऐसे लोग बहुत कम मिले हैं जो बच्चों के लिए या किसी के लिए भी मदद के लिए आगे आवे हैं। तो के महसूस हुआ आपने, कहाँ से मन में ख्याल आया कि मैंने ऐसा करना चाहिए? बस मुझे स्टार्टिंग से, जैसे मैं जब स्कूलिंग में था या कहीं भी था, स्कूल इसी स्कूल में था, उस टाइम ही प्राइज मिलते थे हमें, चाहे छोटा प्राइज मिलता था। प्राइज जब मिलता है तो बच्चा उससे बहुत ये सोचता भी, तूने इस साल तूने इतनी मेहनत की है, तेरे को ये प्राइज मिला है, अगली बार भी तू फर्स्ट पोजीशन पाएगा, तेरे को फिर इनाम मिलेगा। तो बच्चे भी अपने आप एक तरह से एक मोटिवेशन आता है। तो इसलिए मेरे मन में आया, ठीक है गवर्नमेंट दे रही है, एक छोटी उम्र में एक अच्छी जगह पहुँचा दी है, अपने एक साल स्कूल के नाम रहेगी, एक सैलरी स्कूल के नाम रहेगी, और कहीं ना कहीं ये बच्चे फिर आगे बढ़ेंगे तो कितने ना कितने टकराया करेंगे। आपने भी गर्व महसूस होगा कि मेरे स्कूल का मेरा छोटा भाई बहन जो है वो आगे आया है। तो प्रवीण दलाल भाई हैं, और इन्होंने अपनी एक सैलरी जो है स्कूल के नाम कर दी है किसी भी इवेंट में प्राइज मनी के लिए। और यो आज का इवेंट जो था हैंड राइटिंग ने लेकर, इस तरीके का इवेंट हरियाणा में तो इस लेवल पर पहली बार होया है, और एक रिकॉर्ड जो है इन्होंने हासिल करा है। और आप सब भाई ने जो अनाउंसमेंट करी है उस पर और इस इवेंट पे की राय रखो हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो, अपनी राय जरूर लिखियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करियो, फेसबुक पेज हमारा फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।